हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डेज। जैसे कि आज शहर में चर्चा चली है कि डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब पर FIR हुआ है और कई दिनों से आप देख रहे हैं COVID-19 में कौन सी पार्टी के लोग कौन से सांसद फील्ड पर काम कर रहे हैं। जैसे कि दो दिन पहले भी अलम प्रभु पाटिल साहब पर भी ऐसे ही कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे और आज डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को निशाना बनाया गया है। सर, जो FIR हुआ है, जो केस हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि जो हमारे सेडम का MLA कहीं जा रहा नहीं लोगों में, और लोग फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो इसलिए लोग फ़ोन कर रहे हैं हमें कि पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। लोग जब लोग आतंक में हैं, लोग परेशान हैं, लोग प्रॉब्लम्स में हैं, तो हम गए थे लोगों के पास, और हम क्या मीटिंग या कोई पॉलिटिकल मीटिंग करने नहीं गए थे। जब गाँव जाते हैं तो पब्लिक आती है, समस्या पूछने के लिए आते हैं, तो आके दूर दूर बैठे थे, वो मास्क सब पहने हुए थे, तो वहाँ पे पीने का पानी का मसला वो लोगों ने उठाया था कि MLA तो आ रहा नहीं, जा रहा नहीं है, तो समस्या है कैसा करना। तो मैं PDO को फ़ोन भी किया हूँ, वो PDO को भी अब इंक्वायरी कर सकते हैं, तो बोल के वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करने के लिए बोल के हम आ गए हैं, लेकिन वो वहाँ के जो BJP के वर्कर्स हैं उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि उनका MLA फिर नहीं रहा है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो जहाँ पर उद्योग कात्री चल रहा है वहाँ माइक पकड़ के भाषण करके भाग जा रहे हैं, बस इतना ही काम चल रहा है उनका। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम वहाँ से MLA थे 15 साल, और मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी था, तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है जाना हमारा फ़र्ज़ है। हम गए हैं, हम कोई वायलेशन नहीं हुआ है, हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने गए हैं, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ऐसे केसों को तो डरने वाले नहीं हैं हम। सर, देखने में आ रहा है जैसे कि हाल ही में मुस्लिम चौक पर मज़ार आलम खान पर हुआ था, वाड़ी में हुआ था, तो आपका भी कुछ देखिए, ये जो BJP के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो लोगों को काम करने का कोई कमिटमेंट नहीं है। वो लोगों को ये डर है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट में ये दिन रोज़ केस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये कांग्रेस के लीडर्स अगर जाएंगे लोगों के पास, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उनके जो प्रॉब्लम्स है अगर वो लोगों आवाम में लाएंगे, तो उनको कोई जवाब नहीं उनके पास, इसलिए डर रहे हैं। इसलिए देखिए, वहाँ इस पे मोमिनपुरा में शायद हो, मुस्लिम चौक पे, तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर तो यहाँ गायब रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ दो बार पब्लिक में उन्होंने खुद मीटिंग बुलाए, वहाँ खुद लोगों को बुलाए, उधर बुला के जब गए, अरे आप आए नहीं, आप इतनी देर आ रहे बोलने, इतना बात बोलने के लिए बोले, तो वो गुस्सा होके चले गए हैं। तो अगर तो उसके बाद वो क्यों नहीं आ रहे आप, क्यों अगर यहाँ प्रॉब्लम नहीं सुन रही, इस इतना बात कहने के लिए उन्होंने अगर केस करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का ये जो है ना, ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ये जो पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मिसयूज़ है, दिस कॉल्ड मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये लोग अपोजिशन पर केस कर रहे हैं? हाँ, अपोजिशन पर केस इसलिए कर रहे हैं क्यों, उनका कोई पॉजिटिव काम नहीं है। सिर्फ क्या कर रहे, वहाँ पे गए हम, यहाँ पे गए, जब सिर्फ ये सोशल मीडिया में और फोटो शॉपिंग छोड़ के उनका कोई कॉन्क्रीट काम नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट कोविड डेथ हो गया March 10th को, तकरीबन 70 दिन के ऊपर, 75 डेज हो गया अभी। आज भी जो पहला दिन जो प्लान हुआ था, आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी गुलबर्गा हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने वेंटिलेटर्स रहना चाहिए नहीं है, हमारे हॉस्पिटल जो रेडी होना चाहिए तो नहीं हुआ है। ये मैं बार बार पूछा हूँ इस बात को, लेकिन गवर्नमेंट के पास साधन नहीं है क्या, कमिटमेंट नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है क्या, उनका तवज्जो किधर है मुझे मालूम नहीं है। गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी लोगों ने डोनेशन दिया है, मगर आज भी क्वारंटाइन, देखिए फैसिलिटीज़ नहीं है क्वारंटाइन, नहीं ये सही बात है, क्योंकि ये जो लीडर्स है इनका अटेंशन किस तरफ होना चाहिए कि जो पब्लिक का प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए उनका अटेंशन होना चाहिए। इन्होंने तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकते हैं। देखिए कितना मैं आज चैलेंज के साथ बोलता हूँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो बाहर से जो लोग आए हैं, जिनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखे हैं, उनके पास एक 10% लोगों के सेंटर्स में भी वहाँ पे अच्छे टॉयलेट्स नहीं हैं, वहाँ पीने का पानी का सुविधा नहीं है, टाइम पे उनको खाना नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम्स अगर वो जो सिटिंग MLA हैं वो लोग नहीं सुन रहे, जो हमारे अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे, अगर हम जाके अगर वहाँ बोलेंगे तो उनको सहन नहीं हो रहा। और ये आपको पता है वाड़ी में
वाड़ी में भी ऐसा ही हुआ। ये जो कंटेनमेंट जोन वो हटाने के लिए जाते हैं, इनको कौन परमिशन दिया, इनको कौन अथॉरिटी दिया जाने के लिए, और एक्स मिनिस्टर्स वगैरह जाके उधर, तो वहाँ पे लोग पूछे हैं अरे तुम क्या हिसाब से आ रहे बोल के बोले, तो उनके ऊपर भी केस। ठीक है, केस डाल के लोगों को डराने की जो है ना, ये पुराने हथकंडे, ये सब चलने वाले नहीं हैं, इसको कोई डरने वाले भी नहीं है। हम सब फेस करने के लिए तैयार है, हम हमेशा पब्लिक के साथ रहे हैं, हम हमेशा ईमानदारी से काम किया, हमेशा पब्लिक का काम करेंगे हम। सर, कांग्रेस और बीजेपी में इस कोविड 19 के इशू में डिफरेंस क्या है? ये लोग काम कर रहे हैं, बता रहे हैं 80% काम इन्होंने किया है, क्या काम मगर... हुआ है बताना ना। देखिए, लोग आज भी परेशान है, क्या काम हुआ है कोविड, ये जो कोविड स्टार्ट हुआ है जब फर्स्ट डे से जब प्लान हुआ है, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है स्टेट में। जितने इनके जो प्लान है, जो हॉस्पिटल, अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते तो क्या हालत होती आज? अगर खरगे साहब ये ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाते तो क्या हालत रहती थी गुलबर्गा का आज? ये जो भी कॉन्क्रीट काम किए हम, के उन्होंने क्या किए हैं अभी? सर, माइग्रेंट लेबर्स के बारे में भी ये लोग बता रहे थे कि गवर्नमेंट इनका खर्च बेयर करेगी, मगर कई सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए और स्टेट लेवल पर देखने में ये आया कि कांग्रेस के लीडर्स ने बसेस अरेंज करवाए, तो इसके बारे में भी पब्लिक में क्लैरिफिकेशन कीजिए। देखिए, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे इमीडिएट अटेंशन माइग्रेंट वर्कर के तरफ गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि हम नेशनल मीडिया में देख रहे हैं कि हज़ारों के तादाद में लोग, लाखों के तादाद में लोग चल के अपने घरों को जा रहे हैं, 400 500 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, हज़ार हज़ार किलोमीटर तक चल के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ है, और इतने धूप में चलते जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट को कुछ फिक्र नहीं है। और ये जो पैकेज अनाउंस किए हैं उसमें ये एक पैसा भी वो माइग्रेंट लेबर्स के लिए नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पहला ये काम करना चाहिए था, हर माइग्रेंट वर्कर को अपना अपना स्टेट को, अपने अपने घर को पहुंचाने का उनका जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी से मुकर गए हैं वो लोग। आज शायद अब देखे नहीं देखे पता नहीं मुझे, वो निर्मला सीतारामन खुद बोले हैं उन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सब लेबर्स को जहाँ हैं वहीं रहने के लिए बोले थे, उनकी बात नहीं सुन के चल रहे, इसलिए हम क्या भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, उनको अपने घर को पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ये गवर्नमेंट मुकर गई है, अपने अपने फ़र्ज़ से मुकर गई है। सर, सेडम के एमएलए का एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि कोविड 19 तक मुझे कोई कांटेक्ट ना करे, सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ था। देखिए, एमएलए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट फ़ोन रिसीव करके प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ जहाँ पे लोग ऑलरेडी जमे हुए, क्योंकि उनका प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने पहले किसी का फ़ोन रिसीव करते नहीं और किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम है। और ये जो हमारे स्टेट में भी बहुत सारे लोग सेवा सिंधु ऐप में अप्लाई किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। प्रियांक को इसलिए एक रिट फाइल किए हैं कि एटलीस्ट हम डिसीजन लो, नहीं तो हमको तो लाने के लिए मौका दो, नहीं तो हमारे पार्टी से हम पैसा भर के लोगों को लाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट को कोई कमिटमेंट नहीं है इसमें। सर, एट लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे सेडम के आवाम को और गुलबर्गा के आवाम को और सारे कर्नाटक के आवाम को, किस तरीके से ये पीरियड गुजारे? और सर, कई सारे बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, बीजेपी वाले सिर्फ शोमैन हैं, उनका कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ बड़ाई के बातें होते हैं उनके, बड़े बड़े वादे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेयर रियलिटी पे कोई काम नहीं रहता उनका, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर रहे बोल के इतना बड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे हमारे कंट्री में। और हमारा, मेरा इतना ही मैसेज है कि लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी दिन अभी ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन पालन करना चाहिए। उसके अलावा ये जो वायरस है, इस वायरस से हम एहतियात रखना चाहिए, लेकिन इसको पूरा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना डेडली वायरस भी नहीं है, लेकिन हमको प्रिकॉशन इसलिए लेना है क्योंकि बहुत कंटेजियस है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, इसलिए हमको इसके एहतियात रखना ज़रूरी है। और जो भी गवर्नमेंट के ये जो कोविड इसका जो लॉकडाउन का है वो पालन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी फ़र्ज़ होती है
कि गरीब लोगों का टेक केयर करना गवर्नमेंट का फर्ज है, वो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सर और एक चीज़ है, जनरली है, आप भी एक डॉक्टर हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स में सर आज जनरल चेकअप के लिए कई सारे लोग, उसमें भी कई सारे डेथ हो रहे हैं, कई सारे मुझे भी कॉल आते हैं कि डिलीवरी केस नहीं ले रहे, बुखार ही नहीं ले रहे, तो इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा आपने सेंट्रल लेवल पे बात कर कर। नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर्स हमारे फ्रेंड्स को भी बोले हैं कि सब क्लिनिक ओपन रखने के लिए, क्योंकि नॉन कोविड जो सर्विसेज आवाम को देना चाहिए वो डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है, वो देना चाहिए। हमारा अपील यही है डॉक्टर्स को भी कि आपने क्लिनिक्स ओपन रखें और नॉन कोविड पेशेंट, जो भी कोविड पेशेंट्स है, जो भी प्रोटोकॉल है वो उसके हिसाब से वो रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन नॉन कोविड पेशेंट्स जो है उनको सर्विस देना ज़रूरी है, नहीं तो ये कोविड का इसमें नॉन कोविड पेशेंट सफ़र नहीं होना। तो इसलिए प्राइवेट डॉक्टर्स को भी हमने पहले से भी हम रिक्वेस्ट किया, अभी भी तकरीबन प्राइवेट क्लिनिक्स भी ओपन हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदारी है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके चले, डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करें और उनको रीएश्योर करें कि हम उनके ऊपर केस करना, उनको डराना धमकाना ये काम नहीं करें, और ये उनको कॉन्फिडेंस में लेके ज़रूर डॉक्टर्स कोऑपरेट करेंगे। सर आपके साथियों को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने आप पर केस किया? जो हमारे ऊपर केस किए, हमारे ऊपर जो केस किए वो तो हम तो ये कुछ कहना क्या है इसमें, हम तो फेस करने के लिए तैयार है और ये ऐसे बंदर बबकियों से डरते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करे हैं बोल के हम ऐसा वो ये नीच काम तो करेंगे नहीं, या गिर के काम करने का हमारा ऐसा ये भी नहीं है, फितरत भी नहीं है। हम 15 साल MLA थे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी थे, हम ऐसे जो चिल्लर धंधे करते नहीं हैं। हमारा जो काम है हमको लोगों को अच्छा करना है, हम लोगों के साथ में रहेंगे हमेशा, लोगों को जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम है वो करेंगे, ये जो गलत जो काम नहीं कर सकते, ये काम जो उनका चल रहा है वो जारी रखने दो, हमको उससे ना डर है ना शिकायत है, हमारा जो फ़र्ज़ है हम ज़रूर ईमानदारी से निभाएंगे। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर डेक्कन डेज़, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू।